President Saab ne budhaya yahan, and I am thankful to Dr. Chakanda Raya, Ministry, sorry, जो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में. और इस तरह के कोर्सेज बहुत पहले होते थे, मैं वे बैक इन 2004 या 5 में हूँ. इस वक्त शायद वो WTO की भी ट्रेनिंग होती थी, अभी पता नहीं दोनों करिकुलम में है या नहीं. लेकिन बाय एंड लार्ज लॉयर्स, बतौर लॉयर बात कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम रहा मेरे साथ भी कि हम अपनी LLB के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और जितनी भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग्स हैं उनका इम्पैक्ट बड़ा लाइफ में डिफरेंट होता है. आप अपनी वर्किंग रूटीन के साथ कोर्स स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स के साथ जब 2-3 दिन की वर्कशॉप में चीज़ों को करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा. आप उन 5-7 घंटे की जो भी ट्रेनिंग है उसके अंदर वो सारे लॉज आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे और वो इवेंचुअलिटीज भी शेयर करेंगे. और जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो कोर्ट में शायद डिसमिसल ऑफ सूट की सूरत में रिजल्ट देते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएंगे. मैंने इसी ट्रेनिंग के हवाले से जो चीज़ें सीखी, स्पेशली CEDAW जो कन्वेंशन है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रेसिड्यूअल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन 1979 एंड चाइल्ड राइट कन्वेंशन, इन दो कन्वेंशंस की ट्रेनिंग की वजह से बहुत सारी ओरिएंटेशन क्लियर हुई. इसी तरह इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है पेरेंटल चाइल्ड अबडक्शन का, गार्डियन के बहुत सारे केसेस में इश्यूज आते हैं और इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं और उनके फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं और बच्चों की कस्टडी के जो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने में इन कन्वेंशन से बड़ा रोल किया. क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कन्वेंशंस को रेटिफाई फर्स्ट हैंड नहीं किया और अपनी ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स एक्सरसाइज किए, लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीज़ें अमेंड हुई. हमारे फैमिली लॉज में बहुत सी चीज़ें अमेंड हुई. ओरिजिनली 2002 की फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट से पहले खुदा का जो दावा है वो भी 3.5 से 5 साल चलता था, जिसमें एविडेंस होती थी, गवाह आते थे, जिरा होती थी, बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं. लेकिन 2002 की अमेंडमेंट ने उसको रेवोल्यूशनाइज किया और फिर वो 10-2 के कॉन्सेप्ट में फोर्थ विद खुला का तस्वीर जनरेट हुआ. और मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स प्रॉब्ली जब बहुत सारे इस तरह के केसेस घर से बैठ के नादरा जैसे ऑफिस से ही रिजॉल्व हो जाएंगे ऑनलाइन. ये कोर्स का ये वाला मॉडल जो है ये ऑब्सोलीट होके ख़त्म हो जाएगा. जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आपको बहुत सारे नए वेन्यूज पे काम करना है, मैं सिर्फ उसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि कौन कौन से नए वेन्यूज हैं. फैमिली डिस्प्यूट हर घर में होता और हर घर में रहेगा और जितने लोग बैठे हैं इनके साथ भी होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. लेकिन उसके साथ आप अगर एक अच्छी इनकम दे रहे हैं और नए वेन्यूज पे काम करेंगे तो फिर फैमिली डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. इट्स अ इकोनॉमिक फैक्टर. हमारे पास हाई कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 18,965 केसेस पड़े हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और खाली टैक्स के हमारे पास तकरीबन 1904 रेफरेंसेस पड़े हैं. कस्टम रेफरेंस उसके अलावा हैं. रिट पटिशन जो टैक्स से रिलेटेड हैं वो हार्डली होंगी कोई 650 ICS को भी छोड़ उनके लिए हमारे पास, मतलब अगर कोई लॉयर एग्रीज ना हो तो मैं जो फिगर अपनी 8 सालों में मैंने नोट किया है, 8 लॉयर टोटल जो हाईकोर्ट आते हैं रेफरेंसेस में, 4 की बात हमें समझ नहीं आती, 4 को हम समझा नहीं, ग्राउंड रियलिटी बता रहे. हमें भी टैक्स नहीं आता, हम सीखते हैं लॉयर से, लेकिन डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो टैक्स के हैं वो हमें कुछ भी कन्वे नहीं कर पाते, फिर हमें टैक्स कमिश्नर को बुलाना पड़ता है. और टैक्स के अंदर क्लाइंट की जो फाइनेंशियल साइड है वो एवरेज एक टेलीकॉम सेक्टर का एक शो कॉज नोटिस जो जनरेट हुआ होता है वो 2 से 5 बिलियन रुपीस पे होता है. उसके लॉयर का फी स्ट्रक्चर कचहरी में बैठे हुए लॉयर के फी स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट.
ये एक मिसाल दे रहा हूँ। इसलिए टैक्स कस्टम्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जितनी भी हैं, चाहे वो PTA है, आगरा है, पैमरा है, ये स्पेशलाइज्ड फ्यूचर फील्ड्स हैं IT से रिलेटेड, डिजिटल। अभी हमने नया लॉ भी हमारा अंडर कंसिडरेशन है जो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आपको ये जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट है ना, जो जिसको हम जनरल प्रैक्टिस कहते हैं, ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में ऑब्सोलीट हो जाएगा सब कुछ। ये मॉडल नहीं चलेगा। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर 25-26 करोड़ की पॉपुलेशन है और जो इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान के सामने पड़े हुए हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप इस पुराने मॉडल से नहीं चला सकेंगे। उसके लिए जुडिशरी ने, लॉयर्स ने एक रोल परफॉर्म करना, नए वेन्यूज पे काम करना। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मतलब लॉयर्स को मैं छोड़ देता हूँ, एक खातून है जो टिकटॉक बना रही है पतोकी के गांव में बैठ के, और वो सिर्फ अपने गांव की एनवायरनमेंट को दिखा रही है और वो अर्न अमेरिका से कर रही है। ये है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। लॉयर सॉरी टू से पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्होंने उस ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट को अभी तक एनकैश नहीं किया। प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट फर्म्स के स्ट्रक्चर हमारे यहाँ अभी तक डेवलप नहीं हो सके। क्लाइंट आज भी उसी लॉयर को कोर्ट में खड़ा करवाना चाहता है जिसके साथ उसकी बात हुई है, वो उसके किसी ऑल्टरनेट से एग्री नहीं करता। परफॉर्मेंस फर्म्स के अंदर नहीं आई, वो स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। बार काउंसिल के हमारे काजी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको ये आइडिया पहले भी दे चुका हूँ कि आप फर्म्स रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट पे जाएं, ताकि बेस ब्रॉड होगा, पार्टनरशिप कंसर्न्स रेज होंगी, तो वो जो आप दुनिया में जो मॉडल है फर्म्स का, उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंडिविजुअल से टाइम ज्यादा है। इट्स ऑल फाइनेंशियल थिंग्स। आप ये जो कुछ इल्म हासिल करने के लिए बैठे हैं वो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन लॉ आपको आ जाएगा, लेकिन जो 95% ऑफ योर वकालत इज हाउ टू अर्न मनी, 5% इज द नॉलेज थिंग जो आपने अप्लाई करना है। तो उस क्लाइंटल कॉन्सेप्ट में भी चीजों को आप देखेंगे और फाइनेंशियल मॉडल पे फोकस करने की जरूरत है। फैमिली केसेस के मैं अभी आपके कंटेंट देख रहा था, जो कोर्स आज इन्होंने 2 दिन में आपको कराया, इस पर 2 बातें करूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने बेशुमार केसेस किए और मैं अभी ये लास्ट इंटरव्यूज हाईकोर्ट के लाइसेंस के भी ले रहा था। पिछले 4 सालों में जितने इंटरव्यूज लिए हैं, 95% यंग बच्चों ने आगे से पे की बात की है कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लाइसेंस से लेकर हाईकोर्ट के लाइसेंस के दरमियान 2 सालों के दरमियान सिर्फ खुला का केस किया, मेंटेनेंस का केस किया, फैमिली केस किया। इसके अलावा वकालत की नहीं लगता है इस्लामाबाद में, सिर्फ लोग फैमिली में ही केस प्रैक्टिस करते हैं और कोई प्रैक्टिस यहाँ होती नहीं। अपने साथ जो एसोसिएट्स हैं और आप जो यंग लोग हैं, प्रो बोनो काम करने के लिए जेलें भरी हैं, गरीब लोग जो पिसे हुए भरे हुए हैं। 30 लाख की आबादी का शहर, ठीक है, हमारे पास दोनों डिवीजन में ईस्ट एंड वेस्ट में मिला के 52,670 के करीब केसेस पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट के अंदर। ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कचहरी की बात करें, स्पेशल कोर्ट्स को छोड़कर उन केसेस में फैमिली केसेस की तादाद हार्डली कोई 7-8 हजार है। बाकी जो इतना बड़ा नंबर है उसको आपने कैटर नहीं किया। यंग बच्चे आते हैं, उनसे हम कानून शहादत की बात पूछते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ की बात पूछते हैं, कोई ओरिएंटेशन नहीं। इवन जो बेचारे फैमिली की बात करते हैं, उनसे जब वो सवाल भी फैमिली में करते हैं तो उनको उसका जवाब नहीं आता। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करें। वो हम स्कूल पढ़ते थे ना, जब वो घर जब पहुंचते थे तो बैग जहाँ रखते थे वहीं से अगले दिन उठाते, इस तसव्वुर से बाहर आने की जरूरत है। रात को अपनी रीडिंग हैबिट को जरूर रखें, चाहे वो आप CLC का डाइजेस्ट पढ़ें, SCMR पढ़ें, कुछ स्टैट्यूट, लेकिन वो मेक इट अ हैबिट, कोई किताब पढ़ें, उस रीडिंग हैबिट को डेवलप करें। सिर्फ रीडिंग को डेवलप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपके वर्ड्स, आपका एक्सप्रेशन, सब कुछ चेंज हो जाएगा।
हर वक्त मोबाइल के अंदर मत टाइम स्पेंड करें, हर वक्त टीवी पे टाइम स्पेंड मत करें, किताबों में टाइम इन्वेस्ट करें, रिसर्च पे टाइम इन्वेस्ट करें, वो आपको देंगी चीज़ें जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड है। फैमिली केसेस के हवाले से दो बातें करूँ। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के अंदर मैं 23 साल की प्रैक्टिस के बाद जज बना और आज 8वां साल। इतने सालों के दौरान सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट के नीचे जो उनको जो स्पेशल सब्जेक्ट्स की जुरिसडिक्शन डिफाइंड है, जो स्केड्यूल पार्ट 1 में जो पर 9 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उसके पार्ट 2 का एक केस भी नहीं किया। हमारे पास नीचे इस वक्त 11 फैमिली जजेस हैं, एक ने भी जजमेंट पास नहीं किया अभी तक पार्ट 2 पे। 95% लॉयर्स ने पार्ट 2 की कंप्लेंट भी कभी फाइल नहीं की। जहाँ पे मैम अभी जिक्र कर रही थी डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शुअल हरासमेंट के कॉन्सेप्ट पे, अब पाकिस्तान की स्टेट ऑब्लिगेशन है सीधा के तमाम कॉन्सेप्ट्स को एनफोर्स करने, हम लॉज बना रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रहे। डोमेस्टिक वायलेंस में आइदर पार्टनर जो भी विक्टिम होगा डोमेस्टिक वायलेंस का, वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है बिफोर अ फैमिली जज। उसमें 337A1, 337F1, 342, 509, 346 ये सारी प्रोविजन, 7-8 ऑफेंसेस शामिल हैं, नॉट विद स्टैंडिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन किसी फैमिली जज के पास किसी लॉयर ने अपने क्लाइंट के लिए आज तक वो कंप्लेंट फाइल की, इसलिए कि उन्हें खुद नहीं पता ये बात। वो ख्वातीन जो तशद्दुद के उसके फेज से गुजर के आपके पास आती हैं और आप उनके क्रुएलिटी पे खुला का सूट फाइल करते हैं, उनकी क्रिमिनल कंप्लेंट फैमिली जज के पास कोई फाइल नहीं करता। मेडिकल एविडेंस मौजूद होती है उसके बावजूद भी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करता। और उस पर हालांकि एविडेंस कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि फैमिली जज जब एविडेंस लिखेगा और क्रुएलिटी में उसके पास ये एविडेंस आ गई है कि फिजिकल अब्यूज हुआ है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ है, इन सारी बातों पे वो प्रोसिक्यूट कर सकता है सब्जेक्ट टू के अगर किसी ने वो कंप्लेंट की हो, जो प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया है उससे कथा नज़र वो खुद भी ये कर सकता है। लेकिन जब तक आप अपने क्लाइंट के लिए ये बात रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, एक जज कभी भी वो काम नहीं करेगा, सो मोटो नहीं करेगा। सो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो किताबों में लिखी हुई हैं लेकिन वो इस्तेमाल ना करने की वजह से रिडंडेंट होगी, आप पे ये फर्ज है कि आप इनको देखें और इनको अप्लाई करें। इसी तरह एक प्रोविजन है सेक्शन 25A की, जिसमें हम इंटर डिस्ट्रिक्ट केसेस की ट्रांसफ़र करते हैं फैमिली केसेस में, इंटर प्रोविंसेस केसेस की ट्रांसफ़र करवाते हैं। उसमें इस वक्त सबसे बड़ा बैकलॉग जो जहाँ पे केसेस लॉक हैं और ख़वातीन बेचारी चक्कर लगाती हैं बेचारी के, वो है जो इंटर प्रोविंसेस केसेस पेंडिंग हैं। अगर खातून ने कराची में केस फाइल किया है और हस्बैंड का केस इस्लामाबाद में पेंडिंग है, तो उस खातून को केस ट्रांसफर करवाने के लिए सेक्शन 25A के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है। और मैं समझता हूँ कि एज अ स्टेट ऑब्लिगेशन फेडरेशन को इस प्रोविजन को चेंज करके इसको खातून के हवाले से देखना चाहिए, फीमेल फोकस ड्रिवन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े। और जितना सिंपल हो वो खातून अपना केस मुतलका हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रिक्वेस्ट करवा के दूसरे ज़िले से हस्बैंड का केस कॉन्सोलिडेट करवा सके। ये सिर्फ दो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और ये दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा लैक है हमारे पास। मैम जिक्र कर रही थी इस्लामाबाद के अंदर जो प्रॉपर्टी एक्ट एनफोर्स किया गया सिर्फ इनके नॉलेज के लिए और आपके नॉलेज के लिए, बड़ा अच्छा लॉ जिसने भी बनाया, एफर्ट अच्छा था कि एक खातून है जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ हुआ है तो वो ओम्बुड्समैन के पास उसको एक एक्स्ट्रा फोरम दे दिया कि वो वहाँ से जाके अपने इशू को रिजॉल्व करवा ले, इंस्टेड कि वो एक इल्लीगल डिस्पोजेशन के कॉन्सेप्ट में जाए या एक सूट फॉर पोजेशन में जाए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी ले और उसमें डिप्टी कमिश्नर एनफोर्स करेगा। उसमें दो जजमेंट्स आई,
एक जजमेंट, दोनों जजमेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट की है, मैं उनका जिक्र कर देता हूँ क्योंकि लॉ इस्लामाबाद का था, जहाँ जहाँ फैमिली केसेस पेंडिंग थे हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में या एक्स स्पाउसेस के दरमियान में भी, वहां पे ये ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकती क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है और फैमिली कोर्ट कतर नजर इस कानून के स्पेशल लॉ है पार्टीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। एक जजमेंट वो आई जिसमें पेशावर के अंदर एक केस पेंडिंग था फैमिली डिविजन में और खातून इस्लामाबाद में उसको इन्फोर्स करवा रही थी अंडर दिस लॉ टू रिकवर द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर एट पेशावर क्योंकि वो हकमायर में जायदाद रखी हुई है। एंड सेकेंड जजमेंट भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की है जिसने इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इसके अंदर जुडिशियल डिटर्मिनेशन है एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड विच इज द जॉब ऑफ अ जज ओनली एंड नो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन कैन पास अ जजमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस। वो दोनों जजमेंट इस वक्त सेल हुई हुई है, माइट बी अभी उसमें क्या फेट आएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज एक इंफॉर्मेशन थी मैंने इसलिए राइट टाइम पे अभी आपको बता दूंगा। बाकी जैसा प्रेजिडेंट कैसर इमाम ने कहा कि ये बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं, काजी साहब बैठे हुए हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल से, वासी साहब भी आए हुए हैं, सिर्फ आप लोगों ने अपने पढ़ने की आदत को ठीक करना विच इज 5% ऑफ योर टोटल प्रैक्टिस और अपनी कमर्शियल जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मार्केटिंग का एंगल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने इमेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप जितना अपना इमेज इम्प्रूव करेंगे उतने बेहतर क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, उतनी प्रैक्टिस आपकी फ्लरिश करेगी। पैसे को याद रखें, पैसा ही मटीरियल है, आप काम करें, केसेस फ्री करें, लोग आपको खुद पैसे देंगे, मेरा ये बिलीफ है, आपके पीछे पीछे फिरेंगे लेके कि आप उनके इश्यूज को रिजॉल्व करवाएं। बहुत सारे लोग हैं इसी दुनिया में हैं, हम भी अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा रखते हैं कि आज आपकी जेब में शायद पैसे ना हो लेकिन एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपके पास वो सब चीज़ें होंगी जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, उसमें शायद आपकी ज़रूरतों के लिए वो पैसे भी शामिल। इसलिए जब कोई ऐसा शख्स आपके पास आए जिसको हेल्प ज़रूरत है और वो पेनलेस है तो उसका काम फ्री ऑफ कॉस्ट करें इस उम्मीद के साथ कि कल अल्लाह ताला उसके रिस्क में भी इजाफा करेगा और आपके रिस्क में भी इजाफा करेगा। इस बिलीव के साथ इन्होंने अभी जिक्र किया था पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, दैट वॉज द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड। इस वक्त वो जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज के फॉरेंसिक्स के डिस्प्यूट के लिए इनको एज एन आर्बिट्रेटर केसेस भेजे जाते हैं जो लाहौर में बैठ कर वो रिजॉल्व करते हैं। मैं खाली उनके लास्ट हमने अपने जजेस को ट्रेनिंग कोर्स करवाया था, मैं खुद भी 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए गया था। अब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो जैनब केस था 1100 लोगों का DNA पंजाब फॉरेंसिक ने किया और 15 डिटरमाइन हुआ, मोटरवे रेप केस था उन्होंने DNA से डिटरमाइन किया कि वो गुजरा वाला का आदमी नहीं था, वो भावल नगर का आदमी क्योंकि उसका प्रोफाइल बना हुआ। इस तरह की लातादात एग्जाम्पल्स जो उन्होंने फॉरेंसिक एविडेंस से रिकवर की और एक्चुअल कातिल या एक्चुअल मुंजिम पकड़ा गया और जो बेगुनाह पकड़ा हुआ था वो रिलीज हुआ। इसलिए ये जब भी डिजिटल एविडेंस पे कोर्सेज हों, फॉरेंसिक एविडेंस पे कोर्सेज हों, फायर आर्म एक्सपर्ट के कोर्सेज हों, वो ज़रूर करें क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल मैटर्स में हम देखते हैं कि हमारे लॉयर्स आते हैं, वो आर्ग्यू भी करते हैं बैलिस्टिक रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक कॉन्सेप्ट्स पे, लेकिन आपने खुद प्रैक्टिकली खुद वेपन्स नहीं देखे हुए, आपने ऑटोप्सी होते हुए नहीं देखी हुई, आपने केमिकल एग्जामिनेशन होता हुआ नहीं देखा, आपने केमिकल एनालिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को खुद जाके लैब में नहीं देखा हुआ, इसलिए आपका प्रैक्टिकल अप्रोच पर डिफरेंट होती है और आप बहुत से क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते। आप वो 2-3 दिन की ट्रेनिंग जैसे डायरेक्टर जनरल साहिबा ने यहाँ पे ये ट्रेनिंग करवाई है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आपको आके यहाँ लेक्चर दिया और बहुत सारी चीज़ें आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में गेन की, और मैं इनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की ट्रेनिंग्स को करवाएँ, बार काउंसिल्स भी करें, बार एसोसिएशन भी, ये मिल के होगा जिससे बार इम्प्रूव करेगी, बेंच भी इम्प्रूव करेगा, जजेस भी ठीक जजमेंट्स देंगे।
वरना वो भी आइसोलेटेडली बैठे रहते हैं कमरे में और उन्हें भी कोई समझ नहीं आती और गलत फैसले करते चले जाते हैं। तो आप लोग असिस्ट करेंगे, हमारा ये मानना है कि बेस्ट रिपोर्टेड जजमेंट वही होती है जिसमें लॉयर ने एफर्ट पुट किया होता है, जजेस का एफर्ट कभी भी अच्छा नजर नहीं आता। आप जो रिसर्च करेंगे वो बेस्ट रिजल्ट देंगे। अपने आप को रिसर्च ओरिएंटेड बनाएं और उस पर काम करें और इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं वो ज़रूर करें। और मैं दुआ करूँ शरिया अकेडमी के लिए जिनकी कंटिन्यूस एफर्ट है लॉयर्स बार एंड बेंच को इम्प्रूव करने की, और मैं होपफुली फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइड मैं डायरेक्टर जनरल साहब को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हम अपने सारे जजेस की और लॉयर्स की ट्रेनिंग स्टेज वाइज ऑन डिफरेंट स्पेशल सब्जेक्ट्स आपकी अकेडमी में आइंदा के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।